So in this video, we'll see how to convert D to SR flip-flop. As usual, sir, first we'll see required and available flip-flop. देखिए, again हम block draw करते हैं. This is for required और ये है available का. अब हमें convert करना है D to SR, यानी D flip-flop available होगा. तो हमें convert करना है SR में, तो SR हो जाएगा required का. Yes. So from this we identified SR is our required one. तो यहाँ पर हम लिखेंगे SR, present state Qn है, next state Qn plus 1, तो flip flop का input होगा T. तो हमने ये लिखा है इस diagram के बेहाव पे. अब देखो, हमारे पास तीन inputs हैं, SR और Qn. And from this we have to go for Qn plus 1. So let us quickly draw a three variable truth table. This is how we can write, and this is the last one when it is triple one. Now to fetch the value of Qn plus 1, I have to use the truth table of SR flip-flop. So what is it? SR or Qn plus 1. Hamesha truth tables jo hai wo side mein likhne ka, so that it becomes easier. 0 0 ke liye Qn hota hai, 0 1 ke liye 0, 1 0 ke liye 1, aur 1 1 ke liye hota hai don't care, fixed one. So let us start with the first one. 0 0 के लिए देखिए, Qn plus 1 is equal to Qn होता है, तो 0 को कॉपी करेंगे यहाँ पर. 0 0 है तो Qn को कॉपी करेंगे यहाँ पर, यह आ जाएगा 1. 0 1 के लिए फिक्स्ड आउटपुट 0 होता है, 0 1 के लिए फिक्स्ड आउटपुट है 0. नेक्स्ट 1 0 को फिक्स्ड आउटपुट 1 है, 1 0 को भी फिक्स्ड आउटपुट 1 है. लास्ट व्हेन यस एंड आर बोथ आर 1 1, तो देखिए नेक्स्ट स्टेट होता है डोंट केयर. तो यहाँ पर हम लिखेंगे डोंट केयर. 1 1 के लिए ये भी है डोंट केयर. अब हम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में भी देखा था और कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप में भी देखा है. नाउ विल गो फॉर फेचिंग द इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर डी. तो इसके लिए एज यूजुअल देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है ट्रुथ टेबल SR का. हम लेते हैं एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल डी फ्लिप फ्लॉप का. एक्साइटेशन टेबल डी फ्लिप फ्लॉप का क्या था, देखिए Qn, Qn प्लस 1 और T, ये कुछ इस तरह से था. तो हमें पता है D इज इक्वल टू Qn प्लस 1 होता है, सो वट एवर Qn प्लस 1 इज देयर वो हो जाएगा हमारा D. तो 0 के लिए 0, 1 के लिए 1. नाउ लेट अस ड्रॉ. देखिए यहाँ पर Qn प्लस 1 0 है, तो ये 0 है, ये 1, 0, 0 है, ये 1 है, 1, ये डोंट केयर और डोंट केयर. यानी सिंपली Qn प्लस 1 को हमें कनेक्ट करना है T से. ये हो गया. अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ. ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप, दैट इज ट्रुथ टेबल. नाउ लेट्स गो फॉर सेकेंड स्टेप, के मैप. सो वी विल बी राइटिंग लॉजिक एक्सप्रेशन. लॉजिक एक्सप्रेशन में हमें थ्री वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करना है विथ कॉम्बिनेशन SR एंड Qn. सो आई विल बी ड्रॉइंग थ्री वेरिएबल के मैप फर्स्ट. ओके, सो आई हैव ड्रॉन ए थ्री वेरिएबल के मैप विद इनपुट्स. एक यहाँ पर यस लेते हैं, यहाँ पर आर और क्यू एन लेंगे, और ये इक्वेशन हो जाएगा डी के लिए. अब हम ट्रुथ टेबल में देखते हैं डी 1 और डोंट केयर कब है. तो देखिए डी 1 इस कॉम्बिनेशन के लिए 0 0 1, यानी डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा 1. तो 1 के अक्रॉस हम लेंगे 1. नेक्स्ट यहाँ पर 1 है, 1 0 0, यानी 4 के लिए, तो 4 के लिए 1 है. 1 0 1 यानी 5 के लिए भी ये 1 है, और नेक्स्ट 2 के लिए डोंट केयर, यानी कि 6 और 7 जो है वो डोंट केयर आ जाएगा. ओके, अब हम चलते हैं मैपिंग की तरफ. लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट. अब देखिए सेल नंबर 1 में 1 है, उसके एडजेसेंट 5 है, तो देयर शुड बी ए पेयर बिटवीन 1 एंड 5. सो फर्स्ट हम लिखते हैं इसका एक्सप्रेशन डी इज इक्वल टू. इसके लिए देखिए यहाँ पर यस बार है और यहाँ पर यस, सो यस प्लस यस बार का वैल्यू होता है 1. तो यहाँ से हमें मिलेगा 1. फ्रॉम दिस साइड 1 और 5 वर्टिकल है, तो इसका टर्म क्या है, देखिए आर बार इंटू Qn. दिस इज आर बार Qn प्लस. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म के लिए. 4 में 1 है, ये पेयर हो सकता है 5 के साथ, लेकिन 5 के साथ 7 और 6 में भी डोंट केयर है, तो हम इन चारों का ले सकते हैं क्वैड. अगर हम क्वैड लेते हो तो देखिए
4576 के लिए यस का वैल्यू 1 है, यानी ये आ जाएगा यस। एंड फ्रॉम टॉप साइड ऑल सेल्स आर कवर्ड, तो हमें मिलेगा इनटू 1, तो ये हो गया यस, यानी कि डी इज इक्वल टू आ गया यस प्लस आर बार इनटू क्यूवीएन। सो दिस विल बी आर एक्सप्रेशन फॉर डी फ्लिप फ्लॉप, डी इज इक्वल टू यस प्लस आर बार इनटू क्यूवीएन। नाउ लेट अस गो फॉर द लास्ट स्टेप, दैट इज लॉजिक डायग्राम। अब लॉजिक डायग्राम में हम सबसे पहले लेते हैं अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप को। सो विल बी ड्राइंग वन ब्लॉक फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास डी और उसका प्रेजेंट स्टेट है क्यूएन एंड क्यूएन बार। अब देखिए एक्सप्रेशन क्या है, डी इज इक्वल टू यस प्लस आर बार इंटू क्यूएन, यानी यहाँ पर हमें एक और गेट यूज करना पड़ेगा जिसका एक इनपुट है यस और दूसरा इनपुट आ रहा है आर बार इंटू क्यूएन। तो लेट्स टेक द फर्स्ट टर्म, यहाँ पर मैं लेता हूँ और गेट जिसका एक इनपुट हम लेते हैं यस। अब सेकंड इनपुट क्या है, देखिए आर बार इंटू क्यूएन, यानी हमें एक एंड गेट यूज करना है, दिस इज द एंड गेट, और एंड गेट का एक इनपुट हम लेते हैं आर बार से। सो मैं अगर इसको आर लेता हूँ तो ये नॉट गेट के साथ हो जाएगा आर बार, और सेकंड इनपुट हमें लेना है क्यूएन से, यानी नॉर्मल स्टेट। सो विल ड्रॉ इट फ्रॉम क्यूएन बी लाइक दिस, ये हो गया क्यूएन। तो इसका जो आउटपुट है ये हम कनेक्ट करेंगे एज ए इनपुट, ये हो गया आर बार इंटू क्यू। एंड फाइनली विल कनेक्ट वन क्लॉक पल्स ऑल्सो, दिस इज ए क्लॉक पल्स। सो दिस बिकम्स द लॉजिक डायग्राम फॉर कन्वर्जन ऑफ डी टू एस आर फ्लिप फ्लॉप। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू कन्वर्ट डी टू एस आर एंड एस आर टू डी फ्लिप फ्लॉप। थैंक यू वेरी मच।